प्रदेश के बाराबंकी जनपद में जहरीली शराब से हुई मौत को गंभीरता पूर्वक लेते हुए राजघाट पुलिस ने शुक्रवार की सुबह अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में लहन और महुआ नष्ट किया। छापेमारी की खबर पाते ही शराब के कारोबारी भाग खड़े हुए। इस दौरान राजघाट थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडे ने स्थानीय लोगों से वार्ता किया और कहा कि कच्ची शराब जानलेवा हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग कतई न करें और अपने क्षेत्र में इसे बनने से भी रोकें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करता है तो पुलिस को सूचित करें, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि एक माह तक विशेष अभियान चला कर कच्ची के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी अवैध शराब पर आप देख ही रहे हैं, इस साल लगातार अभियान चल रहे हैं और अभी फिर से जो बाराबंकी में घटना हुई उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से फिर से नए आदेश जारी किए गए हैं। एक महीने के लिए इस पर सघन अभियान चलाया जाएगा। अवैध इलिसिट और नकली शराब या जो भी आप कह रहे हैं कच्ची शराब, इस तरह की सभी तरह की जो वैरायटीज़ हैं इन पर पूरी तरह से फोकस करते हुए सघन अभियान चलाया जाएगा और किसी भी सूरत में इस तरह की घटनाएँ ना हों इसके लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे।